नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ कि सुरों को कैसे पहचानें जो हमारे सुरता हमसे नए जुड़े हैं और जो नया सीख रहे हैं हारमोनियम। तो साथियों, उनको ये पता नहीं रहता है कि सुर तीव्र कौन सा है और कोमल स्वर कौन सा। तो साथियों, आज मैं कंप्लीट आपको ये बता दूंगा कि हम सुरों को कैसे पहचानें। तो साथियों, सिर्फ आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी अपने इस ऐप में, और उसके बाद आप चारों कोमल स्वर और एक तीव्र स्वर और शुद्ध सुरी सब आपको पता चल जाएगा। तो एंड तक वीडियो को देखना ध्यान से, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा इसमें। और उस सेटिंग को पहले कर लेते हैं साथियों, तभी आप कौन सा सुर कोमल है और कौन सा सुर तीव्र है ये सब आपको पता चल जाएगा। देखिए, इस थ्री वाले इस पर क्लिक कीजिए, और ये जो लिख रहा है ऊपर सारे गामा, ये देख रही है सारे, इस पर क्लिक कीजिए। और ये जो दिख रहा है सारे गामा पाधानी, ये वाला, इस पर क्लिक कीजिए। अब साथियों, इसमें नोटेशन लिख करके आ गया है, लेकिन हम क्या है, अभी हमारा सा ये है तो हम ज़्यादातर पहली काली को सा मानते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, ये आप गोल गोल ये जीरो देख रहे हैं, इस जीरो को आप एक पॉइंट इधर कर लेंगे, ठीक है साथियों। अब इसके बाद आप देखना आपका सा पूरा आ गया। सुर तो हम नीचे चले गए एक, लेकिन कुछ दिनों के लिए जब तक हमें सुरों की पहचान नहीं होती है, जब तक हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो साथियों, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से मैंने आपको ये बताया है। देखिए, सा, पहले मैं शुद्ध सुरों के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, सा एक छोड़ करके रे, एक छोड़ करके गा गा, फिर देखिए मा पा धा नी सा। एक सेटिंग से आप ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा कि शुद्ध सुर कौन से हैं और कोमल स्वर कौन से हैं। और देखिए, रे कोमल ये आ गया, ये गा कोमल आ गया, ये धा कोमल, सॉरी हाँ धा कोमल, और ये नी कोमल, और ये तार सप्तक हमारा सा आ गया। और साथियों, तीव्रमा देखिए ये बीच में आ गया। अब साथियों, ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाना चाहिए कि हमें सुरों की पहचान नहीं होती है, ठीक है। तो सा 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 रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये हमारे शुद्ध सुर होते हैं सात। एक सप्तक में सात सुर हमारे शुद्ध होते हैं, चार सुर हमारे कोमल होते हैं, और एक सुर मां तीव्र होता है। तो पूरे सप्तक में 12 सुर होते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 12। और ये तार सप्तक का हमारा सा आ जाता है, अगले सप्तक का जो सा है वो आ जाता है, ये तार सप्तक बोलते हैं इसको, ठीक है साथियों। और साथियों, अब मैं आपको एक चीज़ इसमें और बताता हूँ कि हम इन सुरों को अपने दिमाग में कैसे बिठाएं। तो साथियों, सबसे पहले आप शुद्ध सुरों का रियाज करना शुरू कीजिए। किस तरह से, आप देखिए ये हमारा सा है, और आपकी उंगली की, मैं साथियों मैं बाएं हाथ से बजाता हूँ हारमोनियम, आप सीधे से बजाते हैं, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे इस वाली से, तो ये दूसरी से ये, और थम से ये आ जाता है, फिर ये इससे आएगा। तो इस तरह से आप इसको करिए, और देखिए सुरों को दिमाग में बिठाने का तरीका सबसे आसान ये है सुरों को पहचानने का, कि आप सारे गामा, सिर्फ पहले चार सुर कीजिए, सारे गामा मागारे सा। तो आप जब 10 बार 20 बार आप जब इसको करेंगे सारे गामा, उसके बाद में ये आपको पहचान पड़ जाएगी। एक छोड़ करके रे है, एक छोड़ करके गा है, और गा के तुरंत बाद माँ है। तो जैसे हमने यहाँ छोड़ा है इन चार सुरों में, वैसे ही हम पाधा नीसा में छोड़ेंगे। देखिए, पाधा नीसा सा नी धा पा, पाधा नीसा, ठीक है साथियों। तो हमने देखिए, अब सुर पहचानने का एक यही तरीका है, यहाँ हमने सा के बाद एक छोड़ा, रे के बाद फिर एक छोड़ा, और गा के बाद तुरंत मा गया, वैसे यहाँ है पा के बाद एक छोड़ा, फिर धा सुद्धा गया, उसके बाद शुद्ध धा के बाद हमने नी कोमल छोड़ा, और फिर नी सुद्धा गई, और फिर तार सप्तक का सा गया, ठीक है। उसके बाद इसको आरोह अवरोह 10-20 बार करिए, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो बीच में मैंने एक इसमें जोड़ लगा रखा है चार चार सुरों का, जब आपके सुर पक्के हो जाएंगे तो फिर लगातार इसको करिए। किस तरह से, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। उसके बाद में हम अगर शुद्ध कोमल सुरों की बात करें, उसका हमें को रियाज करना है,
तो किस तरह से करेंगे उसको भी देखिए, एक लाइन सा रे गा मा, फिर चार सुर लेना है सा रे गा मा, ठीक है। उसके बाद पा धा नी सा, पा धा नी सा। तो जैसे हमने शुद्ध सुरों में चार चार सुर लिए थे, वैसे ही चार चार सुर हमको यहाँ लेने हैं। तो सा रे गा मा, उसके बाद फिर आरो करेंगे। इसका ये अवरोह है, और इधर से जाते हैं तो आरो बोलते हैं और जब वापस आते हैं तो अवरोह। तो सा नी धा पा, उसके बाद मा गा रे सा। और साथियों अगर हम तीव्र सुर की बात करें तो किस तरह से इसका रियाज हम करें, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा, चार सुर, फिर मा गा रे सा। तो इसको भी चार चार सुर में हम कर सकते हैं। तो जब हम शुद्ध सुरों का रियाज हम अगर हमसे आ गया तो फिर ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करूंगा कि सुरों की पहचान आपको 100% आपको हो गई होगी इस वीडियो को देखने के बाद में, और जो कमी है आप इसको रियाज कीजिए और वो दूर हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।